मेरे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैंने ना वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप के दिल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है अध्यात्म को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, जरूर से शुरू करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। सो आज है पता नहीं कौन सा दिन। मैं दिन इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं ये वीडियो कब अपलोड करूंगी, एंड फिर दिन की बहुत कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि कई बार मैं वीकेंड पे बनाती हूँ और फिर अपलोड मैं किसी और दिन करती हूँ। सो आई डोंट नो कौन सा दिन है। और ये दिन मैं बता सकती हूँ कि बहुत प्यारा गर्म दिन है। फाइनली 2 साल हो गए हमें कैलगरी में रहते हुए, एंड कुछ पिछले 4-5 दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। बारिश नहीं, लाइक कभी कभी बारिश भी हो जाती थी, पर मेजोरिटी ऑफ टाइम ना क्लाउडी सा दिन था, अजीब सा क्लाउडी, जैसे मेलबर्न में हुआ करता था। सो मैंने सुना है कि BC का वेदर भी कुछ इस तरह का है, कभी रेन होनी शुरू हो जाती है एंड कभी क्लाउडी हो जाता है। इसी तरह मेलबर्न का वेदर भी हुआ करता था, तो कैलगरी का भी कुछ उसी किस्म का हो चुका था। सो फाइनली आज अच्छा प्यारा सनी दिन था। मैं और हस्बैंड लंबी सैर के लिए गए थे, एंड बहुत सारा हमें समय स्पेंड करना अच्छा लगता है इस एरिया में, जिसकी मैंने वीडियो पहले भी शेयर की थी। आज हमने वीडियो शूटिंग की, पर मैं आपको पुरानी क्लिप दिखा दूंगी इस एरिया में। एंड बाय द वे, इस एरिया में ना बहुत सारे नए घर बन रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है घर लेने के लिए, आप जगह ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरे हस्बैंड को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो एज अ रियल्टर काम करते हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अवेलेबल लॉट्स हैं। अगर आपको कुछ इस तरह का व्यू चाहिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो उनसे कॉन्टेक्ट करने के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ताकि वो आपको हेल्प कर पाए आपके सपनों का घर दिलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एरिया। हमारे घर से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी उसी तरफ हो, ताकि फिर मेरे घर से भी मुझे इस तरह का व्यू देखने के लिए मिले। सुंदर है ना? सो या कुछ समय वहाँ पर स्पेंड किया, फिर हस्बैंड के एक दोस्त की कॉल आ गई कि बहुत अच्छा दिन है, चलो थोड़ी सी हाइकिंग करते हैं। तो वो उनके साथ चले गए हैं, एंड हिम्मत अपने दोस्त के साथ चला गया है पार्क में, क्योंकि यू नो क्रेव करता है हर कोई गर्म दिन का, एंड आज पहला अच्छा गर्म दिन आया है कितने दिनों के बाद। सो सारे मस्ती करना चाहते हैं, एंड मैं हूँ घर पे। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा व्लॉग शूट करती हूँ एंड देन मैं मेडिटेट करूँगी, एंड लंच नहीं, डिनर का समय होने वाला है थोड़ी देर में। पर लंच में ना मैंने बनाए थे जीरा आलू एंड दाल, चना दाल। मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, मुझे ठीक ठाक लगती है। उसके साथ मैं राइस बनाने वाली हूँ, अगर किसी को खाना हो। एंड मैं चाहती हूँ कि बाहर ना तो मैं भी बैठ के वो कर लूँ, चाय का कप पीती हूँ या कॉफ़ी पीती हूँ। एंड हमारा जो पीछे वो डेक है ना, वहाँ पे बैठना मुझे अच्छा लगता है। स्पेशली इस समय ना बहुत अच्छी धूप आती है, जब सनसेट होने वाला होता है। अभी होगा नहीं, अभी काफ़ी समय है, पर या वहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। पर हमारे स्ट्रीट के बिल्कुल एंड पे बहुत सारे बिल्डिंग बन गई है अपार्टमेंट वाली, लाइक आई थिंक 5 फ्लोर्स हैं उसके, 5 और 6 बनी है ऐसी बिल्डिंग। सो बहुत सारे लोग हैं, एंड हमारा घर वॉकिंग ट्रेल के ऊपर ही है, तो बहुत सारे लोग वॉक करते हुए निकलते हैं, तो प्राइवेसी काइंड ऑफ हो गया ख़त्म। सो फिर ना मैंने क्या किया, मेरे पास एक बहुत ही थिक सा मटेरियल था कवर करने के लिए, वो मैंने लगा लिया है हमारे डेक की साइड पे। अंदर की तरफ से थोड़ा अगली लग रहा है, पर बाहर की तरफ से अच्छा काला लग रहा है, दिखाऊंगी आपको मैं लेटर। सो उसकी वजह से ना फिर मैं बाहर बैठ पाती हूँ, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब गर्म गर्म धूप पड़ती है मेरे चेहरे पर मेडिटेट करने के लिए या थोड़ा मी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो वहाँ पे बैठ जाती हूँ मैं। सो चादा कप लेके मैं भी बाहर बैठती हूँ। अब प्योर एंड पोत दोनों जाने मज़ा करने के लिए गए हैं आउटडोर, तो मैं क्यों ना करूँ। सो मैं भी यही करती हूँ फिलहाल। ऐसे आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा कम समय स्पेंड करती हूँ चीज़ें देखने के लिए। बस जो भी मैं देखती हूँ या पढ़ती हूँ या जो भी मैं कॉन्टेंट कंज्यूम कर रही हूँ, वो सारा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही है। एंड मेरा मन भी नहीं कर रहा है देखने के लिए, बट फिर भी कई बार अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे बताना कि आप लोग आजकल क्या देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, कुछ अच्छा आया है। क्योंकि कई बार ना मैं रिफ़्रेश होना चाहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कुछ आर्टिस्टिक देखना। बाय द वे, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम कैसे हील कर रही हो, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मर ही जाऊँ। गाइस, जितनी जल्दी आप इस चीज़ को मान लेंगे ना कि चीज़ें ऐसी ही होनी है, उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, एंड उतना ही जल्दी आप में सहनशीलता बढ़ जाएगी। आपको पता है कि ये ऐसे होना था। मे बी आपको अपनी बीमारी भी छोटी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है एंड चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है, फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत बार ये कहा है कि जब भी हमारी
ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आती है या फिर हमारे साथ कुछ होता है या कोई डिज़ीज़ आती है, हमें कोई ना कोई लेसन देने के लिए आती है और हमारा किसी ना किसी तरह का पास्ट कर्मा ज़रूर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड जो ऑटो इम्यून कंडीशन है वो हमारे बॉडी के बेस चक्रा के गड़बड़ होने की वजह से होता है, जो कि है मूलाधार चक्रा और उसे रूट चक्रा भी बोलते हैं। जब आप अपने रूट चक्रा पे काम करना शुरू करें, उसको हील करें एंड आपको जो लगता है कि किस ट्रॉमा की वजह से ये हुआ है, आपकी सेहत थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। ये सुनने में अजीब लगता है पर एक्चुअली ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मेरी सेहत पूरी तरह अच्छी नहीं है पर यह बहुत बेहतर है पहले से, एंड मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि मेरी सिचुएशन ऐसी ही होगी और अब मैं ज़िंदगी को कैसे अच्छे तरीके से जीऊँ ताकि मेरी ज़िंदगी खुशनुमा निकल पाए। रोज़ रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई नो कि आप बहुत प्रॉब्लम में होंगे एंड बहुत तकलीफ में होंगे, पर हौसला रखें दोस्तों, चीज़ें सही हो जाएंगी। आप मेडिकेशन काम करना शुरू कर देगी, पर आपके ना थोड़ा सा सोच को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होंगे और स्ट्रेस कम लेंगे एंड इस चीज़ में यकीन करेंगे कि दवाइयाँ आप पे काम करेंगी एंड सब कुछ सही हो जाएगा, तो दवाइयाँ काम करना शुरू कर देती हैं। ये एक किस्म का प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। आप इस पे और ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं कि बहुत बार जब हम अपने ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक होने वाली हूँ और ये मेडिकेशन मुझे बिल्कुल ठीक कर देगी, आपका ब्रेन भी उस पे काम करना शुरू कर देता है। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है जो आपको हील करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो पास्ट ट्रॉमास को भी हील करता है एंड आपके चक्रास को भी बैलेंस कर देता है। हमारी बॉडी में 7 मेन चक्रास हैं, बहुत सारे हैं पर 7 तक को लेके चलते हैं। उनके बैलेंस बिगड़ने से हमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं एंड जो हमारा बेस है रूट चक्रा, वो बहुत सारी बीमारियों का रीज़न है। सो आप हर चक्कर पे भी काम कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगी आप इक्को चक्कर पे काम करें, आप किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें। सो आप एक ही चक्कर पे काम करें, तीसरी आँख वाले आज्ञा चक्कर पे, नीचे वाले सारे चक्कर खुद ब खुद बैलेंस हो जाते हैं, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे और क्या करेंगे, पर मुझे ये पता है कि आज मेरा पकौड़े खाने के लिए मन है, पकौड़े बनाने वाले हैं। आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि मैंने बनाया था इडली एंड सांभर। सांभर मेरे पास है, उसके साथ मैंने राइस भी बना लिए थे। मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया था कि जब हम लोग चंडीगढ़ में थे तो हमारे जो पीजी और हॉस्टल था उसमें ये सांभर के साथ राइस हमेशा बनते थे। कई बार ना उस फ्लेवर्स को मैं मिस करना शुरू कर देती हूँ, उसी के चलते मैंने ये बनाया। सो कॉस्को से पालक लेके आए हैं। कॉस्को की पालक मुझे बहुत खूबसूरत लगती है एंड अब मैं क्या करूँगी, पालक के बहुत प्यारे से पकौड़े बनाएंगे। सो लेट्स डू इट। हिम्मत एंड हस्बैंड गए हैं पार्क में। सबसे पहले हाथ धो लेते हैं क्योंकि मैं अभी पार्क से आई हूँ। अच्छा प्यारा सनी दिन है पर बहुत ज़्यादा विंडी है। सो बाहर जाके जो विंडी देखा ना, मैं हवा हवा दे चौंक के आए, मेरा पकौड़े खाने के लिए मन कर गया। सो मैंने सोचा कि चिंता की क्या बात है, खा लेते हैं। क्या मैंने सही सोचा? पता नहीं, आई डोंट नो। या ओके, सो इसको फ्रिज में रख देते हैं सबसे पहले सांभर को। सो पकौड़े में ऐड करेंगे हरिया मिर्चा क्योंकि हमें स्पाइसी बनाना है। सो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं सारे ही सामान की। मैं आपको बताती हूँ बहुत ही बेसिक तरीके से पकौड़े बनाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा चोल मोल नहीं करते हैं हम लोग। सो धनिया भी करूँगी मैं। सो मेरा पकौड़े बनाने का जो भी तरीका है वो अच्छा है एंड उससे स्वादिष्ट पकौड़े बनते हैं। इसमें ये है कि बेसन को हम ना कम डालते हैं एंड ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करते। इतना निया ना जरा गाइस, इतना ना मिट्टी बहुत है, इसको अच्छी तरह धोएंगे सबसे पहले। एंड पालक को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप कर भी सकते हैं, पर उन्होंने 3 बार वॉश किया है उसको। गाइज पकौड़े बना रहे तो चाय भी बना लेते हैं, क्या विचार है आपके, बनानी चाहिए या नहीं? ओ या फिर ना हम लोग सिंपल चाय पी लेंगे, या दैट्स इजी, टी बैग वाली।
एक और चीज़ बताऊंगी, हम लोगों ने ना रूल बनाया है जो कि हमेशा कामयाब नहीं होता बट समटाइम हो भी जाता है। उस रूल में ये है कि मैंने मेरे प्यारे पति को बोला है कि सैटरडे और संडे को प्लीज़ तुम चाय बनाया करो, जो कि बहुत मुश्किल से बनाते हैं पर यह बना लेते हैं। आप जब ज़्यादा मिनते करोगे, उन्होंने पैर हाथ लाओगे, दुआएं करोगे, अरदास करोगे, फिर बहुत ज़्यादा मिनता करेंगे तो फिर वो बना देते हैं। सो जब वो वीकेंड को चाय बनाते हैं, जो कि बहुत बार नहीं होता वैसे पर हो भी जाता है, उनके मूड पे डिपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा मूडी है वो पति होंगे इतना दे। ओके सो अगर वो ऐसा हो जाए तो हस्बैंड बनाते हैं चाय। मैंने नोटिस किया है कि जब भी वो चाय बनाते हैं वीकेंड को तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ एंड फिर मैं ज़्यादा कुछ और करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ओ वाओ, मेरे पति ने मेरे लिए चाय बनाई है, चलो बाकी सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। सो अगर पति ये वीडियो देख रहे हैं, पति प्लीज़ कंटिन्यू करें चाय बनाना, क्योंकि उससे बूस्ट होती है मेरी एनर्जी। और मैंने ना किसी की वीडियो भी देखी इंस्टाग्राम पे, और इवन मैंने खुद भी, मुझे पता है कि एस्ट्रोलॉजी में जो वीनस होता है वो आपकी लग्जरी का कारक है कि आपकी ज़िंदगी में क्या लग्जरी आएगी, क्या बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, बड़ा घर आएगा, ब्रांडेड कपड़े आएंगे, या ज़िंदगी की जो भी सुख सुविधाएँ हैं मटीरियलिस्टिक, उसको रूल करता है वीनस। राहु भी करता है पर वीनस उसका कारक है, एंड वीनस रिप्रेजेंट करता है घर की लड़कियों का। अगर आप मैरिड हैं तो स्पेशली सीधा सीधा आपकी पत्नी, और अगर आपकी पत्नी खुश होगी, आपका वीनस खुश होगा, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी। ये मुझे पता है, एस्ट्रोलॉजी में सीखा है मैंने। सो अगर आपका पति आपको चाय बना के दे, आप खुश होंगे और पति का वीनस एंड आपके घर का वीनस अच्छा होगा एंड घर में हैप्पीनेस आएगी। और जिस घर में हैप्पीनेस होती है, जिस घर में लड़की खुश होती है ना, वो घर में सब कुछ अच्छा होता है। उस घर में खाना अच्छा बनता है, उस घर में वो घर साफ होता है, वो घर में प्यार होता है, बच्चों में लव होता है, एंड ऑल्सो उस घर में बरकत भी आती है, खुशी भी आती है, एंड मटीरियल सक्सेस भी आता है। सो गाइज, भूल के भी आप अपनी पत्नी को हर्ट मत करा करें, एंड पत्नी की रिस्पेक्ट करें, पत्नी को प्यार करें, एंड पत्नी को चाय बना के दिया करें, पत्नी को खिलाया करें, पत्नी के बालों की मालिश भी कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। अगर आप उनसे प्यार से बात करें, अगर वो इसी में खुश हो जाती हैं, तो ये ज़रूर से करें अगर आपको अपनी ज़िंदगी में मटीरियल सक्सेस चाहिए। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताती रहूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो या, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए सो मेक श्योर करें आपकी पत्नी खुश हो। अगर आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है या फिर उसमें किसी न किसी तरह आप इन्वॉल्व हैं अपनी पत्नी के दुख में, तो भूल जाएं कि घर में बरकत होगी, घर खुश होगा, पत्नी खुश होगी, खाना अच्छा बनेगा, एंड आपको लग्जरी एंड मटीरियल सक्सेस मिलेगा, क्योंकि नहीं मिलेगा। ना खुश पत्नी, ना खुश वीनस, ना खुश वीनस एंड बाकी भी बहुत सारे प्लैनेट्स अनहैप्पी हो जाते हैं जब पत्नी खुश नहीं होती। सैटर्न भी दुखी हो जाता है, उसे भी अच्छा नहीं लगता कि जब आप लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, अन्य प्यार नहीं करते। सो ये तो जानकारी है प्लैनेट्स के बारे में। सो आलू को काट रही हूँ मैं बारीक बारीक ताकि ये जल्दी कुक हो जाए, एंड ऑल्सो नज़र भी आए। चिप्स की शेप में मैंने आलू को काट लिया है कुछ इस तरह से। गाइज, मैंने ना ये आपका मेरा कैमरे का सेटअप मेरी कॉफ़ी मशीन पे रखा है, एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा नीवे होके खड़ा होना पड़ता है ताकि आप मुझे देख पाएँ, अदरवाइज आप मेरी मुंडी को माइनस हो जाएगी। तो समटाइम मैं लेजी हो जाती हूँ, इनू काट रही हूँ। क्योंकि बहुत बार मैं लेज़ी हो जाती हूँ ट्राईपॉड को ढूंढने में, एंड जब मेरा मन करता है आप लोगों से बातचीत करने के लिए तो मुझे लगता है बातचीत ही कर लो, शट डाउन करा, जिसमें रखा जाता है कैमरा रख दो। अब बताना आपको ये चीज़ बॉदर तो नहीं कर रही, मैं भी मेरा चेहरा भी आपको अच्छी तरह ना दिख रहा हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि रोशनी मेरे पीछे है, इस तरफ इतनी रोशनी नहीं है। पालक को बारीक बारीक काट लेंगे। पालक की ना थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखती हूँ, मुझे पालक सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है फॉर सम रीजंस। सो अब हम करेंगे पकौड़े की सीजनिंग। सीजनिंग मेरी ना बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाली है, कुछ मैं खास नहीं करूँगी,
पर इससे पकौड़े अच्छे बनते हैं। सो हल्दी ज़रूर से ऐड करना चाहूँगी क्योंकि इससे ना अच्छा कलर भी आएगा एंड हल्दी वैसे भी अच्छी होती है। नमक कर देंगे थोड़ा सा ऐड, बहुत ज़्यादा मत करें क्योंकि लेटर फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कोई इलाज नहीं होगा। थोड़ी सी मैंने ना की है ऐड हरी मिर्ची, जीरा पाउडर एंड धनिया का पाउडर करेंगे एंड इसमें हम ड्राई धनिया के सीड्स ज़रूर से ऐड करेंगे। तो या उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एंड थोड़े से ही अच्छे सो इनको हम पीस के कर लेते हैं ऐड। सो दिस इज़ डन एंड पहले इस मिक्सचर को बना लेते हैं, उसके बाद अनियन मैं एंड में ऐड करती हूँ ताकि पति के पकौड़ों के लिए स्पेशली। सो इसी मिक्सचर में मैं ऐड करूँगी बेसन। पकौड़े बेस्ट बनते हैं अगर आपका जो मिक्स है ना वो उसको थोड़ी देर पहले बना के रख लें एंड लेटर फ्राई करें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, देन हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा कम पानी होगा तो ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। सो थोड़ा सा ऐड करते हैं पहले अंदाजे से, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको बेसन और चाहिए या नहीं। सो धनिया के बारे में बोल रही हूँ मैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। और टमाटर काट के कर लेते हैं, कोई बात नहीं मिक्स ही हो जाएगा लेटर। बेसन ये सारा ही चला जाएगा मुझे लग रहा। सो इस तरह हम पूरा अच्छी तरह कचड़ मचड़ करके मिक्स कर लेंगे। बेसन का पैकेट निकाल दियो नया एंड उसी के साथ ऑयल भी रख देते हैं गर्म होने के लिए। सो अगर आप जानना चाहते हैं बेसन कौन सा यूज़ करते हैं, मुझे ये शेर बेसन अच्छा लगता है और इन्हीं का आटा भी मुझे अच्छा लगता है, पर बहुत सारे लोगों को नहीं भी अच्छा लगता। आपका स्वाद है कि आपका स्वाद किस चीज़ पर टिकता है, राइट। थोड़ा सा बेसन इसमें ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे ना आप सीजनिंग भी चेक कर सकते हैं कि सीजनिंग सही है या नहीं। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे लगता है मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम व्लॉग इसी एरिया में बनाती हूँ, आई डोंट नो क्यों। कुकिंग करना मुझे अभी पसंद भी नहीं है, फिर भी मेरे चैनल पर कुकिंग कितनी वीडियोज आती है। बाय। सो मेरे नॉट सो खूबसूरत पति को बुला लेते हैं मैसेज करके कि पकौड़े बनाने वाली हूँ मैं, आ जाऊँ। सो हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं अंकल आंटी को भी लेके आ, हमारे स्ट्रीट में जो अंकल आंटी रहते हैं ना वो हस्बैंड के साथ पार्क में, वो बोल रहे हैं कि मैं उनको भी लेके आता हूँ, उनको कुछ पकौड़े खिलाते हैं। मैंने कहा कि ज़रूर ले आओ एंड आ जाओ चाय बनाओ एंड मे बी अभी अंकल आंटी भी आएंगे होपफुली, अगर वो मान जाएंगे तो पक्का नहीं पता। सो सनसेट हो रहा है एंड 9 बज गए ऑलरेडी एंड मैं और हिम्मत चाहते हैं नीनी करना। ऐसे समय नीनी करता बंदा कि अजीब लगता, ऐसा लग रहा है कि बाहर हजे देर ना, बट 9 बज गए तो सूरज सेट होने के लिए तैयार हो रहा है। सो अभी एक और घंटा लगेगा, 10 बजे के अराउंड सन पूरी तरह सेट होगा। तो ऐसे सन में मैं और हेमंत सोने के लिए जाते हैं क्योंकि हमें जल्दी उठना होता है। सो ये है कुछ सन की हालत एंड समय हुआ है 9:05। सो मैं फेस वॉश करूँगी, 15-20 मिनट उसमें जाएंगे। सो ये हमारा वॉशरूम है, राइट, पर मैं इस वॉशरूम को यूज़ नहीं करती हूँ स्किन केयर के लिए। सो मैं यूज़ करती हूँ हेमंत का वॉशरूम। So let's go to him at the washroom. Uski light already on hai. So khana karenge ek tarah ka skip. Kyon? क्योंकि मैंने लगा था बहुत खा लिया था हमने दोपहर में, मैंने वो आलू की सब्ज़ी बनाई थी एंड दाल एंड आपको दिखाना भूल गई हूँ मैं। जब मैं खाना बनाती हूँ आपको दिखाना भी एक तरह का बहुत बड़ा हैसल है, कम है और मैं बहुत बार भूल जाती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि ओ माय गॉड मैंने दिखाया नहीं। पर या सो दाल खाई थी मैंने। अर्लियर मैं सोच रही थी कि हिम्मत के लिए राइस बना देती हूँ, वो अब भी खा लेगा एंड कल लंच में भी ले जाएगा एंड वो कह रहा कि मुझे कल राइस नहीं लेके जाना, मैं परौंठी लेके जाना चाहता हूँ। यस, वो सम टाइम ना परौंठी लेके जाता है, सिंपल प्लेन मसाले वाली परौंठी, सो लंच में, और वो खा के भी आता है।
सो मैंने कहा कि ठीक है। सो या इसी तरह मेरा हो गया है दिन आज कंप्लीट सुखी सुखी। एंड अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मेडिटेट करने, उसके बाद मैं सोऊंगी। पर उससे पहले मैं ना पूरा स्किन केयर करके जाती हूँ, अच्छे कपड़े सोने वाले पहनने के, ताकि फिर मैं सोने के लिए चले जाऊँ डायरेक्ट। आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, अपने विचार ज़रूर से बताना कमेंट बार में, आपके विचार जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी नए व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय। Bye.